हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश ICDS की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 31,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं क्या ये न्यूज़ आई है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com और जो पोस्ट है यूपी ICDS आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2018। आप हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा जिससे कि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। इसमें जो न्यूज़ आई है दोस्तों वो आपको दिखा देते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 31,000 पदों पर भर्ती जल्द, जिसमें प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 31,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। यह भर्तियां 10 साल बाद होने जा रही है, जिसमें जिलेवार DM की अध्यक्षता में समिति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन करेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इनके नियुक्ति अधिकारी होंगे। बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार के निदेशक ने सरकार के पास रिक्त पदों पर भर्ती का विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। शीघ्र ही इसके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे वर्ष 2008 और 9 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई थी, तब से कई बार नियुक्ति की कोशिश हुई लेकिन कानूनी दावपेंच में मामला उलझ गया। दरअसल पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास था, लेकिन बाद में सरकार ने इससे संशोधन कर जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह अधिकार दे दिया। इसी मामले को लेकर CDPO संघ ने हाईकोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी। पिछले दिनों हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में यह बात साफ हो गई कि नियुक्ति को लेकर कोई स्थानादेश नहीं है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार भी अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी। इससे नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक आयता हाई स्कूल है। सरकार इन भर्तियों में आरक्षण भी लागू करेगी। तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि जल्द ही ये भर्ती जो है होने वाली है। तो इसके भर्ती के जितने भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे क्या क्या आपकी जो अपडेट है, कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे और कैसे आप इसमें आवेदन भर सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि दोस्तों हम न्यू वीडियो अपडेट करेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों तभी पहुँचेगा जब आप सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।